हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी का एक फोटोग्राफ आज ऑनलाइन लीक हो चुका है। इस फोटोग्राफ में रियलमी के काफी सारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बॉक्स रखे हैं। इस फोटोग्राफ में रियलमी X7, रियलमी X7 प्रो, रियलमी वॉच S एंड रियलमी की स्मार्ट बोतल का बॉक्स दिखने को मिलता है। और दोस्तों, इस फोटोग्राफ से ये कंफर्म हो जाता है कि ये सभी प्रोडक्ट्स रियलमी जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग रियलमी के नए प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, मोटरोला के एक और नए स्मार्टफोन को आज FCC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इस स्मार्टफोन का कोड नेम है मोटरोला केपड़ी। इसका कोड नेम छपड़ी नहीं है, इसका कोड नेम है केपड़ी। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी एंड 10 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन मोटरोला जल्द ही ग्लोबली लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, रेडमी का नया बजट स्मार्टफोन रेडमी 9 पावर आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। यह स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 4G जो चाइना में लॉन्च हुआ था, उसी का रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन इस स्मार्टफोन में हमें एक चीज का डिफरेंस मिलता है। रेडमी नोट 9 4G में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास दिखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरास के बदले मिलता है कोड रियर कैमरास। इतना ही डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन्स में है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया में आज 10,999 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च हो चुका है। मुझे इस स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही अच्छी लगी। आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस कैसी लगी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, Realme के एक और नए बजट स्मार्टफोन को आज काफी सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्टिंग मिल चुका है। पहले सर्टिफिकेशन की बात करें तो पहला सर्टिफिकेशन है NBTC सर्टिफिकेशन, जहां से इस स्मार्टफोन का नाम कंफर्म हो जाता है। इस स्मार्टफोन का नाम Realme C20 होने वाला है, जो कि Realme का नया बजट स्मार्टफोन होगा। दूसरे सर्टिफिकेशन की बात करें तो दूसरा सर्टिफिकेशन है TUV Ryzen सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में 5000 की बैटरी एंड 10 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिखने को मिलेगा। तीसरा और आखिरी सर्टिफिकेशन है इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन रियलमी जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, अगली न्यूज भी रियलमी की तरफ से ही है। तो रियलमी के दो नए ईयरफोन्स रियलमी बर्ड्स Q2 एंड रियलमी बर्ड्स Air 2 पाकिस्तान में ऑफिशियली इंपोर्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों TWS ईयरफोन्स पाकिस्तान में जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे। पाकिस्तान में लॉन्च होने के बाद ये दोनों ईयरफोन्स इंडिया में भी लॉन्च होने वाले है। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये दोनों ईयरफोन्स फेब्रुवरी तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन दोनों TWS ईयरफोन्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A72 5G के कुछ HD रेंडर्स आज सामने आ चुके हैं, और वो सभी रेंडर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहां से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में कोड रियर कैमरास, सिंगल पंच और सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले, टाइप सी पोर्ट एंड 3.5mm ऑडियो जैक दिखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में हमें कोई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला है, यानी कि इस स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन सैमसंग जल्द ही लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है पोको की तरफ से। तो आज पोको M3 के इंडियन वेरिएंट को TUV Ryzen का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि पोको इस स्मार्टफोन को जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।